दोस्तों आज मैं ओरियो बिस्किट से घर पे आसानी से कपकेक कैसे बना सकें वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैं बिस्किट को जार में डाल रही हूँ। इसको हमें पीसना है, इसको पीस के एक पाउडर बना लेना है। यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट के 2 पैकेट लिया है बड़े बड़े। आप अपने हिसाब से जितने ले सकते, 2-3 जितने ले सकते अपने हिसाब से ओरियो बिस्किट ले सकते हैं। अब मैं इसको पीस लूंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पीस लिया है, देख सकते हैं आप। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें हम डाल देंगे दूध, दूध ज़्यादा मत डालिएगा, क्रीमी टेक्सचर है इसीलिए थोड़े थोड़े करके दूध को डाल के अपने हिसाब से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच चीनी। मीठा आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से ही चीनी डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग चीनी यहाँ पे डाल सकते हैं, कितना आपको मीठा पसंद है कितना नहीं पसंद है। मैंने पे 3 चम्मच चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस में कढ़ाई रख देंगे, हम आज केक बना रहे हैं कढ़ाई में, तो कढ़ाई में हम डाल देंगे नमक। नमक को अच्छे से चम्मच हो हाथ से हो अच्छे से चारी तरफ फैला लीजिएगा। उसके बाद एक प्लेट यूज़ करेंगे हम, प्लेट को ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और गैस की फ्लेम कम होनी चाहिए और इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पे मैंने एक प्लेट में 4 कप ले लिया है। कप आपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 4 कप लिया है, इसमें घी हो कोई भी ऑयल हो लगा लीजिएगा अच्छे से अंदर, ताकि अच्छे से इजीली बाहर निकल जाए। इसलिए मैंने 4 कप में घी लगा के इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने बिस्किट का पेस्ट बनाए थे, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा आप ओरियो बिस्किट के ये पेस्ट आप कप की रखिएगा, आधा क्वांटिटी रखिएगा, क्योंकि ये जब बाद में बेक होगा ना तब में ये फुल के थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसीलिए आप क्वांटिटी आधा ही रखिएगा। अब मैं डाल दूंगी डेयरी मिल्क चॉकलेट, आप कोई भी चॉकलेट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है तो बीच में इसको मैं डाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं,
हमारा कढ़ाई 10 मिनट गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ ये चारों कप। देखिए दोस्तों ध्यान से रखिएगा। अब मैं इसको छोड़ दूंगी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट होने के बाद देखिए दोस्तों हमारा कपकेक बनके तैयार। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छे से बनके तैयार हुआ है हमारा कपकेक। देखिए दोस्तों अब मैं इसको उल्टा करके दिखाऊंगी कप में जो हमने घी लगाए थे वो घी लगाने के लिए कितने अच्छे से इजीली निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बनके तैयार है हमारा कपकेक। अब मैं दोस्तों दिखाऊंगी ये कपकेक कौन सी सॉफ्ट बनाए। देखिए दोस्तों मैं दबा दबा के दिखा रही हूँ आपको। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, सॉफ्ट भी है बहुत। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे केक के ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दिया है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ऐसे फ्रेंड्स आप घर पे बहुत ही इजीली कपकेक बना सकते हैं। आप एक बार बना के देखिएगा दोस्तों कितना टेस्टी सॉफ्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप घर पे इजीली ये रेसिपी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट शेयर करना ना भूलें।